गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे टॉपिक आई एम सी आई इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ चाइल्डहुड इलनेस। ये योजना ये इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट के द्वारा चाइल्डहुड इलनेस की जो है अंडर द फाइव ईयर्स उन योजना के द्वारा हेल्प प्रोवाइड करना जो इसका मेन कॉन्सेप्ट था। अब देखते हैं इंट्रोडक्शन क्या है। 10 मिलियन चिल्ड्रन डाई एवरी ईयर ड्यू टू निमोनिया, डायरिया, मीजल्स, मलेरिया एंड मालेरिया। टेन मिलियंस जो है एवरी ईयर बच्चों की डेथ होती है जो इन पांच जो डिजिटल डिजीज है, जैसे कि निमोनिया है, डायरिया है, मीजल्स है, मलेरिया है, माल न्यूट्रिशन यानी कुपोषण के कारण। तब WHO और यूनिसेफ ने एक कॉन्सेप्ट डेवलप किया जिसका नाम था INCI इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ चाइल्डहुड इलनेस। इस INCI के द्वारा प्लस WHO और यूनिसेफ यानी अदर एजेंसीज मिड 1919 मैं इस कॉन्सेप्ट को एक न्यू स्ट्रेटजी के तौर पे WHO यूनिसेफ मिड 1990 में दिया गया। दिस कॉन्सेप्ट इज वर्किंग इन कंट्रोलिंग मोर्बिडिटी एंड मोर्टिलिटी रेट्स एंड द इलनेस मैनेजमेंट, कॉमन इलनेस मैनेजमेंट अमंग पीडियाट्रिक पॉपुलेशन यानी पीडियाट्रिक पॉपुलेशन बच्चों में जो रूरल एरिया है जो काफ़ी जहाँ पे ये हेल्थ केयर पहुँच नहीं पाती वहाँ तक हेल्थ केयर प्रोवाइड करना पीडियाट्रिक्स में बच्चों में, और इसके कारण से जो है मोर्टिलिटी एंड मोर्टिलिटी रेट्स को कंट्रोल करना इसका मेन पर्पज था। नेक्स्ट इसको इंडिया में यानी INCI को एक्सपेंडेड एंड एडोप्टेड किया गया और इसको रीनेम किया गया, रीनेम जैसे INCI इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट फॉर न्यूनेटल एंड चाइल्डहुड इलनेस यानी न्यूनेटल्स को भी इंक्लूड किया गया। तब इसका पूरा नाम हो गया रीनेम इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ फॉर न्यूनेटल एंड चाइल्डहुड इलनेस। और जो कि यानी INCI इट इज ए क्यूरेटिव प्रिवेंटिव एंड प्रमोटिव यानी किसी डिजीज के प्रति केयर प्रिवेंट यानी उसका ट्रीटमेंट यानी प्रमोट यानी उपाय यानी जो चाइल्ड हेल्थ केयर के लिए जो अंडर फाइव चिल्ड्रंस है उनके लिए किया गया। इट इज ए वर्किंग INCI टू रिड्यूसिंग ए मोर्टिलिटी एंड जो टेक्निकल बेनिफिट्स है हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को वे इम्प्रूविंग किया गया एंड ताकि वह जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स की जो प्रोफेशनल टेक्निक्स है वो इम्प्रूव हो सके। तो इसका जो मेन पर्पज था कि जो हेल्थ केयर टेक्निक्स है जो हेल्थ केयर टेक्निकल्स है उनकी जो टेक्निकल स्किल्स को इम्प्रूव करना जिससे वह जो हेल्थ केयर प्रोवाइड कर रहे हैं उनके प्रोफेशंस है वो इम्प्रूव हो सके। नेक्स्ट है डेफिनेशंस के INCI की डेफिनेशंस क्या है। जैसे कि इंटीग्रेटेड ग्रेटेड
फोकस ऑन चाइल्ड हेल्थ। जो डिजीज है उनको प्रिवेंट करके रिड्यूस द मोर्टिलिटी रेट, यानी मोर्टिलिटी रेट को कम करना। नेक्स्ट एड्रेस में जो एम यानी ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव क्या थे, आई एम सी आई, पहला ये था रिड्यूसिंग मोर्टिलिटी, सेकेंड रिड्यूस फ्रीक्वेंसी एंड सीवियरिटी ऑफ इलनेस एंड डिसेबिलिटी, यानी रिड्यूस करना सीवियरिटी ऑफ इलनेस एंड डिसेबिलिटी को। नेक्स्ट इंप्रूविंग द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फॉर ए चिल्ड्रन ऑफ ए लाइफ, यानी चिल्ड्रन की लाइफ में जो फाइव ईयर है, फर्स्ट फाइव ईयर है उसमें उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट को इम्प्रूव करना। तो ये मेन तीन ऑब्जेक्टिव थे आई एम सी आई के। नेक्स्ट में जो स्ट्रक्चर है आईएमसी स्ट्रक्चर को भागों बांटी गई है, पहले स्ट्रक्चर 0 से लेकर 2 मंथ यंग इंफेंट्स, टू मंथ से टू फाइव इयर्स। तो जो स्ट्रक्चर थी वो ये थी कि जो 0 से मंथ से लेके 5 ईयर्स यानी अंडर द 5 इन्फेंट और चिल्ड्रन है उनको हेल्प प्रोवाइड करना और जो प्राइमरी कॉजेज है उनको प्रिवेंट करना जिससे मोर्टिलिटी को रिड्यूस किया जा सके। अब लेते हैं नेक्स्ट में मेजर कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। पहला कंपोनेंट्स ये था कि इम्प्रूविंग ऑफ द फैमिली एंड कम्युनिटी प्रैक्टिसेस अमंग चाइल्ड हेल्थ केयर, यानी जो फैमिली और कम्युनिटी की जो हेल्थ केयर प्रैक्टिसेस है उसको इम्प्रूविंग करना। नेक्स्ट था प्रोविजन ऑफ द एसेंशियल ड्रग्स एंड अदर सप्लाई, जो भी उपयोगी दवाइयाँ हैं उनकी सप्लाई निरंतर रूप से की जा सके। थर्ड जो था जो कम्युनिटी है, कम्युनिटी इन्वॉल्विंग यानी हेल्थ केयर प्रोग्राम ऑफ चिल्ड्रन, यानी चिल्ड्रन से जुड़े जितने भी प्रोग्राम है कम्युनिटी को उसमें भागीदारी लेना जिससे उनकी हेल्थ की इम्प्रूवमेंट हो सके, हेल्थ काउंसिलिंग इम्प्रूवमेंट हो सके ताकि वे कुछ जान सके। फोर्थ था बेटरमेंट द टेक्निकल स्किल्स, इम्प्रूवमेंट ऑफ प्रोफेशनल टेक्नीशियंस है इन केस ऑफ मैनेजमेंट, यानी मैनेजमेंट में जो भी है जो टेक्निकल स्टाफ है उनकी जो टेक्निकल स्किल्स को इम्प्रूवमेंट करना, बेटरमेंट बनाना ताकि वे मैनेजमेंट को और अच्छे तरीके से हाई प्रोफेशन प्रोवाइड कर सके। नेक्स्ट है एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द हेल्थ फैसिलिटीज टू मैक्सिमम रीच टू द पॉपुलेशन, प्रेडिक्टिव पॉपुलेशन, यानी जो डिस्ट्रीब्यूशन है हेल्थ फैसिलिटीज का वो रूरल एरिया तक पहुंच सके मैक्सिमम तौर पे। ये पांच मेजर कंपोनेंट्स थे आईएमसीआई के।
नेक्स्ट सेंटेंस में सर्विस प्रोवाइडर अंडर आईएमसी, कौन कौन सी सर्विस हमें आईएमसी दिए, पहला है वैक्सीनेशन या दूसरा विटामिन ए एंड न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट, तीसरा मैनेजमेंट ऑफ मैनेजमेंट एआरआई इंफेक्शन जो भी है उस पर मैनेजमेंट करना, मलेरिया कंट्रोल जो प्रोग्राम है, इसे मलेरिया पर प्रिवेंशन किया जा सके। नेक्स्ट प्रिवेंशन ऑफ डायरिया, प्रिवेंशन ऑफ मीजल्स एंड जो अदर है काउंसलिंग है, जो हेल्थ प्रॉब्लम के बारे में वो वेरियस हेल्थ काउंसलिंग हेल्थ प्रॉब्लम्स। तो ये जो है सर्विस प्रोवाइडर अंडर फाइव आईएमसी जो दी जाती है, पहला वैक्सीनेशन, विटामिन ए एंड न्यूट्रिएंट्स प्रोग्राम्स, मैनेजमेंट ऑफ एआरआई, मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम्स हो है, जो प्रिवेंट ऑफ डायरिया है, जो अवेयरनेस हेल्थ काउंसलिंग है, जो अदर हेल्थ प्रॉब्लम्स है उनके द्वारा दी जाती है, उनके उम्मीद दी जाती है। नेक्स्ट लेते हैं हम इसमें प्रिंसिपल्स ऑफ द आईएमसीआई। पहला प्रिंसिपल यही है इमीडिएट रेफरल, यानी जो बिलो फाइव ईयर्स चिल्ड्रन है उनको एग्जामिन करके जो भी कंडीशन है उसको एग्जामिन करके इमीडिएट रेफरल करना है या और हॉस्पिटल। ये फर्स्ट प्रिंसिपल था। सेकेंड जो प्रिंसिपल था रूटीन असेसमेंट, यानी रूटीन असेसमेंट में जैसे कि सिम्टम है जो भी जिसके उसको रूटीन असेसमेंट के द्वारा, जैसे मेजर सिम्टम फीडिंग प्रॉब्लम्स है, कोई मालन्यूट्रिशन प्रॉब्लम्स है, ये कोई अदर मेजर सिम्टम है उसको या पोटेंशियल कोई प्रॉब्लम्स है उसको असेसमेंट करना आईएमसी के द्वारा जो एक प्रिंसिपल था। नेक्स्ट थर्ड जो प्रिंसिपल था का मतलब तो ये हो गया कि लेबर और हॉस्पिटल
सेकंड येलो, येलो यानी जो इनिशियल ट्रीटमेंट है वो दिया जाता है इसमें। थर्ड होता है ग्रीन यानी एट होम। थैंक यू एवरीवन।